हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, यहाँ जो देख रहे हैं, मैं फ्रूट काट रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। और मैं, आप लोग को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इतने दिन से। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अम्मी मेरे पर गुस्सा कर रही थी कि तुम फ्रूट खाओ, फ्रूट क्यों नहीं खा रही हो। तो भाई जो है वो मेरे लिए फ्रूट लेके आया था। तो फिर मैंने कहा चलो, फ्रूट ऐसे मुझसे ना खाए नहीं जाते, पता नहीं क्यों। हस्बैंड भी गुस्सा करने लगे कि तुम फ्रूट क्यों नहीं खा रही हो, खाओ। तो मैंने कहा चलो चाट बनाती हूँ, और फिर मैं खा लूँगी और फिर ये लोग भी खा लेंगे सब। वरना हानी भी नहीं खाती है, बहुत तंग करती है। तो अभी मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। अच्छा, इनके लिए क्रीम की चाट बनाऊंगी। मैं क्रीम वाली चाट नहीं खाती है, मैं खाती हूँ सादी चाट जिसमें चाट मसाला डाला होता है, मुझे वो पसंद है, तो मैं वो वाली खाती हूँ। तो थोड़ी सी मैं क्रीम चाट बनाऊंगी और थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाऊंगी। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत बहुत बहुत बेहतर है। जो वीकनेस हुई हुई थी वो भी काफ़ी हद तक सही हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। आज जुम्मे का दिन है, नमाज़ हमने उसने पढ़ ली है। पहले नमाज़ पढ़ी है, हानी अब गई भी सितारा पढ़ने, क्योंकि 4:15 बजना है। तो वेदर भी ऐसा हो रहा है, वहाँ गुलाब जल कोई आना था, वो क्या कहते हैं तूफान क्या था, ला जाने क्या आ रहा था, तूफान आ रहा था ना, गुलाब जल कुछ तूफान आना था, लेकिन वो नहीं आया है। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ से टल गया है, अब वो बलोचिस्तान की तरफ हो गया है। लेकिन वेदर ऐसा हो रहा है कि बारिश होगी। अभी तो मैं एप्पल ही काट रही हूँ, छिलके उतार रही हूँ। और कौन ऐसा जो छिलके खा भी जाता है मेरी तरह? मुझे एप्पल के छिलके अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, फ्रूट चाट जो है ना मेरी रेडी हो गई है, देख लो मैंने मिक्स करा। पता है बीच में ना सिस्टर की कॉल आ गई थी, मैं उससे बातें करने लगी और साथ ही साथ मैंने इसको रेडी कर लिया। मैं भूल गई कि मैंने वीडियो भी बनानी है। तो चलें, बस ये रेडी हो गई है। मैंने इसके अंदर कुछ नहीं डाला ऐसा, सिर्फ थोड़ा सा हनी डाला है, काली मिर्ची डाली है और सिर्फ क्रीम डाली है। ऑल पर्स की क्रीम यूज़ करी थी मैंने इसके अंदर। और ये मेरी वाली चाट है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं, सिर्फ ओनली चाट मसाला और कुछ नहीं डाला। ये मैं खाऊंगी चाट। मैं फोकस करके दिखा रही हूँ, देखिए कितनी काली घटा आ रही है। बहुत ज़बरदस्त वेदर हो रहा है, बहुत मज़े का। और कहीं घूमने जाने का और है, लेकिन हस्बैंड नहीं जा रहे, कहने नहीं कोई नहीं बाहर ऐसा और होगा। अच्छा जी चलें, मैं अब जा रही हूँ घर और अंदर 5 बज रहे हैं अभी, देखिए 5:05 हो रहे हैं। और मैं बना रही हूँ पकौड़े, बना लिए और हम ये देखो तैयारी करके बैठे हैं। पकौड़े बना रही हूँ मैं, देखो गंदा बाबू तेज हो गई। ये देखिए हम लोग, इतनी तेज बारिश हो रही है, चलो जल्दी से क्लिप बनाते हैं। ये देखिए इतनी तेज बारिश हो रही है, हम तो बस फ्लैट वाले बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसे ही नज़ारे करते हैं खड़ों के, है ना हनी? हमारी ये छोटी सी डक है, ये है ना ऊपर, यहाँ से आता है बस इतना सा पानी, वो भी गंदा छत का ही पानी होगा। दादी मैं आलू की भी थोड़ी सी बनाऊंगी पकौड़े, और ये प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। ये मैंने बेसन बना के रखा हुआ है, बेसन मैंने ज़्यादा ही इसलिए करके रखा है। आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल भुनी हुई, और साथ ही मैं थोड़ी सी दही फुल्कियाँ बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग के अच्छी लगती है जब हम मूंग की दाल भुनी हुई बनाते ना, तो साथ दही फुल्कियाँ जरूर बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो वैसे भी पकौड़े बना रही हूँ, तो थोड़ी सी दही में डाल दूँगी फुल्कियाँ, तो वो दही फुल्कियाँ बन जाएंगी। और अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, बारिश इतनी तेज़ हुई है, इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है, बहुत मज़ा आया। हमें सिर्फ देख के ही मज़ा आया बाहर, और हम जा तो सकते नहीं थे, नहा नहीं सकते थे, क्योंकि छत का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि नहीं जा सकते। तो बस फिर हानी भी थोड़ा डरती है, हानी को ना बारिश इतनी पसंद नहीं है। जैसे बच्चे खुश होते हैं ना बारिश में नहाते हैं, तो हानी नहीं नहाती। हानी बारिश से पहले खुश होती थी, नहाती थी, पता नहीं अभी उसको क्या हो गया कि नहीं नहाती। मैं कहती हूँ हानी बारिश हो रही है जाओ खड़ी हो, लेकिन नहीं डरती है। अच्छा जी, यहाँ दाल देखिए मेरी बन रही है। अच्छा, पकौड़े बनाना शुरू कर दिए, साथ ही मैं ना हरी मिर्ची भी बनाऊंगी। ये इसको मैंने धो लिया है, इसको यूँ कट लगा के और इसमें चाट मसाला भर के हम खाएंगे। वो खानी किसने बताओ? मैंने, हानी खाएंगे, हानी का दिल है। तो इसमें से बीज निकाल दूंगी, ओहो हानी फ्राई कर रही है अभी पकौड़े। भाई पकौड़े मेरे रेडी हो गए, साथ मैंने देखे ना दही फुल्कियाँ भी बनाई हैं, थोड़ी बनाई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं कि बस ख़त्म हो जाए ना, फिर पड़ी रहती हैं बेकार, ज़ाया होता है रिस्क। तो
अभी मैंने इसका देखिए तड़का बनाया हुआ है। हमारे यहाँ शुरू से दही फुल्की के ऊपर ना हम लोग ऐसे तड़का लगा के खाते हैं। तो मैंने कड़ी पत्ता, जीरा और लाल मिर्च इसका तड़का लगाया जी। हमने जो है वो खाना खा लिया और हम पी रहे हैं चाय और साथ ही हम देख रहे हैं ये बोल का प्रोग्राम। वीडियो को करेंगे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।